कि मैं एक अच्छा वीडियो बना दूं, लेकिन सिंस आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द वीडियो, आई एम टेकिंग द क्लास फर्स्ट एंड देन आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। बट यार चीजें जो क्लास में पढ़ानी जितनी आसान थी, जब हम उसको वीडियो बनाने गए, वो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। तो कई बार परफेक्शन के चक्कर में हम उलझ गए, ऐसा समझ सकते हो आप। सो विदाउट गेटिंग इन टू मच डिटेल ऑफ दैट, आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग वट आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। उसको समझने के लिए आई विल गो अ स्टेप बैकवर्ड्स एंड स्टार्ट माई डिस्कशन फ्रॉम टोपोग्राफिक मैप्स। नाउ टोपोग्राफिक मैप्स आर मैप्स विच आई हैव जस्ट शोन हियर। इस तरह के मैप्स को हम टोपोग्राफिक मैप्स बोलते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर जगह के एलिवेशन को भी रिप्रेजेंट करे कि हाउ हाई यू आर, नॉट दैट हाई एज अ राइट, हाउ व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट द पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। सो दिस इज द 3D version of a topographic map. But now the same thing can be conveyed in 2D, right? तो अब ये एनोटेशन फिर से किसी ने चालू कर दिया क्या? यार ये बड़ी तकलीफ है बच्चों के, ये सब निपटारे में ही हमारा तो टाइम निकल जाता है। कैसे निपटाऊं ये? चलो भी पड़ा है एक लाइन जो है, ये मैंने नहीं की भाई, ये किसी ने कर दी है, हटा देंगे इसको। सो ये एक 3D वर्जन है जिसका 2D टॉपोग्राफिक मैप ऐसा है, राइट। तो टॉपोग्राफिक मैप कैसे बनाते हैं कि मान लीजिए आपने एक एरिया का टॉपोग्राफिक मैप बनाना है। अरे यार ये तो जान करके कर रहा है बच्चा, परेशान कर रहा है। यार मेरे को इस पे वो करना नहीं आ रहा, सरफेस पे लीना क्या करूं मैं भाई? यार वो मेरा कंट्रोल बार यहां से हट गया कि कंट्रोल कैसे करते हैं इसको। लीना गिव मी अ मिनट, लेट मी एक्सप्लोर इट। यार ये तो ऐसे तो कोई ना कोई फिर परेशान करता ही रहेगा। गिव मी अ मिनट, कैन यू डिस्कस एनी क्वेश्चन लीना हेयर? लीना एक एक आधा न्यूमेरिकल तुम लो, लेट मी हैंडल दिस टिल दैट टाइम, ठीक है? ऑलराइट इसके अलावा ये भी हमने 15th क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसके अलावा किसी और को कोई डाउट है तो बोलिए।
स्क्रीन शेयरिंग नाउ डिसेबल पार्टिसिपेंट कम्युनिकेशन. ऑल राइट, सो होपफुली अभी डिसेबल्ड है. All right, Elena. Seems like I will be able to do it. अभी देखते हैं बाकी तो. So हमें भी नए नए challenges देख रहे हैं को मिल रहे हैं कि कैसे नए नए तरीकों से लोग हमें परेशान करेंगे और हमें handle करना सीखना पड़ रहा है. ठीक है. So I was talking about topographic maps कि किस तरह से topographic maps draw किए जाते हैं. तो topographic maps basically किसी भी 3D सिचुएशन को 2D में कन्वर्ट करते हैं. तो मान लीजिए वी हैव प्लेसेस लेट्स से जो 400 मीटर के हाइट पर है. ये अलग अलग चार पांच जगहें थी जिनकी सबकी हाइट है 450 मीटर्स. तो अगर इन सबको मैं एक लाइन से जोड़ दूं तो इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं कॉन्टोर लाइन या आइसो लाइन. इसी तरह के मान लो मेरे को और ज्यादा हाइट वाले पॉइंट मिल गए. लेट्स से ये जो पॉइंट्स हैं ये 500 मीटर की हाइट पर है अलग अलग. इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये 500 मीटर के हो गए. और फिर अंदर एक हमने और बना दिया ये 550 के. तो इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सरफेसेस की फॉर्म में जो हम ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इन लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्टोर लाइंस. ये सेम हाइट के पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाई जाती है. तो जब इन किसी भी इस लाइन पर अगर मूव किया जाएगा तो इसके हर पॉइंट पर हाइट सेम होगी. और क्योंकि हाइट सेम होगी तो यहाँ के हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी. तो बेसिकली आप इन कॉन्टोर लाइंस को देख करके ये पता कर सकते हैं थ्री डायमेंशनली कि किसी लोकल जगह पे हाइट क्या है. और दूसरा ये देख सकते हैं कहाँ पे स्टीप है और कहाँ पे स्लोप स्टीप नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में क्योंकि कॉन्टोर लाइंस बहुत पास पास आ गई है तो यहां पर बहुत स्टीप होगा. वेयर एज इस एरिया में सेम चेंज ऑफ हाइट इज टेकिंग प्लेस बट ओवर अ लार्ज लेंथ. तो इसका मतलब है यहां पर स्टीप नहीं है. जो कि 3D में अगर आप देखोगे तो दिस पार्ट इज लेस स्टीप देन दिस पार्ट. सो बेसिकली टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स को 2D मैप्स पे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द लाइंस कॉल्ड एज टोपोग्राफ कॉन्टोर लाइंस जिसपे सेम हाइट के पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन क्रिएट की जाती है. और इनकी रिलेटिव क्लोजनेस या रिलेटिव स्पार्सनेस ये डिसाइड करती है कि ये हाइट स्टीपली इंक्रीज हो रही है कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. राइट है. So, ये एंगल था टोपोग्राफिक मैप का. आप कहोगे यार पढ़ने हम इक्विपोटेंशियल सरफेस आए थे ये क्यों पढ़ रहे हैं. बट दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. सो जैसे हम किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं उसी तरह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का यूज भी कर सकते हैं. तो मन में सवाल आता है कि जब यार इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट हो सकता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या जरूरत है. अननेसेसरी नया लफड़ा क्यों लेने का जब इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पता चल जाता है कि चार्ज का इन्फ्लुएंस किस जगह पे कहाँ कितना है. तो ये नया क्यों पंगा ले. तो इसका आंसर मैंने ढूंढा तो ये पता चला कि भाई जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को फॉलो करके चार्ज के इन्फ्लुएंस को स्टडी करते हो तो वो उसका इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को समझाता है कि उस जगह पे फोर्स कितना लगेगा उस जगह पे एक्सेलरेशन कितना होगा उस जगह का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा. अगर मेरा चार्ज कॉन्फिगरेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका फील्ड लाइन पैटर्न तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. ऐसा झमेले वाला फील्ड लाइन पैटर्न भी हो सकता है. नाउ इन सच ए कॉम्प्लिकेटेड फील्ड लाइन पैटर्न यहाँ की कहानी कुछ और होगी यहाँ की कहानी कुछ और होगी. बाय द टाइम यू रीच हियर यहाँ की कहानी और कुछ हो जाएगी. सो स्टडिंग द मोशन ऑफ चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड चार्ज कॉन्फिगरेशन.
इस सारे काम को हम बहुत इजी बना सकते हैं अगर हम कोई ऐसी चीज के बेसिस पे पढ़ें जो चीज स्टेट फंक्शन हो। स्टेट फंक्शन का मतलब है जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड ना करे, सिर्फ किस पे डिपेंड करे, इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे। तो पोटेंशियल एक ऐसी ही क्वांटिटी है जो कि अगर मोशन को समझने के लिए यूज की जाए तो हमने क्या पाथ लिया उस कॉम्प्लिकेसी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को पढ़ कर के भी ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा। सो हम ऐसी इमेजिनरी सर्फेसेस प्लॉट करेंगे जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहे। ऐसी सर्फेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इन सर्फेसेस पर ऑब्जेक्ट के मोशन को समझना इज फार मोर इजी एज कंपेयर टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसलिए ये हम नया झमेला उठा रहे हैं। सो आई होप यू गॉट द आंसर कि हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्यों ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास अगर ये चार्ज Q है और इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, तो आप जानते हैं कि R डिस्टेंस इधर लूं तो जो पोटेंशियल आएगा वही R डिस्टेंस इधर लेने पे आएगा, वही R डिस्टेंस इधर लेने पे आएगा और वही R डिस्टेंस इधर लेने पे आएगा। इस बात को हम बोलते हैं कि चार्ज का पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अगर मैं इन सब पॉइंट्स को एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दूं जहां पर पोटेंशियल सेम रहता है, तो इस इमेजिनरी लाइन या इस इमेजिनरी सरफेस को ही हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब इन सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर वन कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर मूविंग द चार्ज अक्रॉस एनी टू पॉइंट ऑन अ गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस वुड बी जीरो। ऐसी सरफेसेस पे अगर आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाओगे तो इस पे वर्क करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क करना जीरो निकलेगा। रीजन बीइंग हम वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है। मान लो हमने चार्ज क्यू को पोजीशन ए से मूव करा के बी तक लेके गए, लेकिन क्योंकि वो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे थे तो जितना पोटेंशियल ए पे था उतना ही पोटेंशियल बी पे था। सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी जीरो, तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा, जीरो। सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस वुड बी जीरो, क्योंकि उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये दूसरा नंबर है, ये एक नहीं है भाई, मेरे स्लाइड मेकिंग में गलती हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कभी निकालना हो तो इन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। क्यों ऐसी होंगी उसको समझने के लिए आप देखिए, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय एफ डॉट डी आर। कोई थोड़ा वर्क कैलकुलेट करना हो तो एफ डॉट डी आर करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी चार्ज पे जब फोर्स लगता है तो उसको हम लिख सकते हैं क्यू ई डॉट डी आर। अगर मैं क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके डी डब्ल्यू से डिवाइड कर दूं, dW को Q से डिवाइड कर दो, तो what do I get is E dot dr. Now we know that work done in moving charge on such a surface is always zero. अभी अभी हमने पॉइंट नंबर वन पे प्रूव किया कि ऐसी सरफेस पे चार्ज को मूव करवाने का वर्क डन जीरो है, तो दिस इंप्लाइज ऐसी सरफेसेस पे कहीं भी E dot dr को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो। अगर चार्ज के अराउंड ई डॉट डी आर जीरो है तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ई जीरो है, भाई चार्ज के अराउंड ई जीरो नहीं हो सकता, डी आर जीरो है,
मैं कह रहा हूं मूव कराया है तो dr भी जीरो नहीं हो सकता, तो तीसरी ही पॉसिबिलिटी ट्रू है कि e और dr कौन से एंगल पे होंगे एक दूसरे के साथ, कौन से एंगल पे? कैन दे नॉट अनम्यूट देमसेल्फ? अंडर व्हाट कंडीशन दे कैन नॉट अनम्यूट देमसेल्फ? आज ऐसा क्यों भाई, आज इतनी ये हैरानी, ये परेशान करते हैं फिर बीच बीच में, कौन कर रहा है नहीं पता चल रहा। हाँ वो पता नहीं चलता है अपने को। 90 डिग्री क्षितिज का आंसर आया है। ओके 90 डिग्री दो, लेकिन लीना अगर ऐसे लोग हैं तो उनको रिमूव कर दो ना, वीडियो जो ऑन नहीं कर रहा उसको हटा दो, इसकी वजह से बाकी लोगों को भी हम नहीं अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, वो क्यों हम करें, जो नहीं पढ़ना चाहता उसको हटा दो। ऐसे कोई लोग हैं क्या लॉजिकली जो वीडियो नहीं चला सकते हैं? जो नहीं चला सकते, कुछ कुछ का इन्फॉर्मेशन आया हुआ है तो वो, कुछ ने तो कोड के साथ एंट्री ली और कुछ ने मेरे को यहाँ पे ही बता दिया अभी आप चैट में आके कि मैम इंटरनेट इश्यूज है। तो फिर वो बोलेगा तो रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा ना कि कौन बोल रहा है, अपने को पता चल जाएगा, और जिनका नाम क्लियर नहीं पता चल रहा उनको निकाल दो, इससे तो क्लास का पूरा एटमोसफियर ही खराब हो रहा है, पढ़ाने में ही नहीं मजा आ रहा है। हम इंटरेक्टिव क्लास करना चाहते हैं इसीलिए तो लाइव आ रहे हैं, वरना तो वीडियो बना बना के डालते रहोगे। नहीं अलाउ करो, देखते हैं कोई करता है डिस्टर्ब तो एक बार कर लेगा, पता तो चलेगा, निकाल देंगे उसको, फिर उसके बाद इसका भी कोई सोल्यूशन निकालते हैं, राइट? एनीवे कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, क्योंकि ऐसी सरफेसेस पे dW हमेशा जीरो होता है, dW जीरो है इसका मतलब है E डॉट dr भी जीरो है, और अगर E डॉट dr जीरो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू dr। क्लियर है ये? अभी ये कर सकते हैं क्या अपने आप को अनम्यूट? Yes, they can do it. Yes, sir. किसी yes. को डाउट है तो बोलिए। No, sir. Okay, okay, okay. ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी पे चल जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी है जी, नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन इंटरसेक्ट। मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है 4 वोल्ट की, इसके हर पॉइंट पे 4 वोल्ट है, ये दूसरी एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है 5 वोल्ट की, यहां पर हर पॉइंट पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो ये दोनों अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट पे 4 होगा कि 5 होगा पता ही नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करे, बिकॉज इन दैट केस एक ही पॉइंट पे 2 पोटेंशियल होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। आप इसको कॉन्टोर लाइन के हिसाब से भी समझ सकते हो, मान लो ये कॉन्टोर लाइन 1000 मीटर को रिप्रेजेंट करती है हाइट को, और ये रिप्रेजेंट करती है लेट्स से 1500 मीटर को, अगर ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट हो गई तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो कहेगा 1000 मीटर भी हूं 1500 मीटर भी हूं, एक ही पॉइंट दो दो हाइट का कैसे हो सकता है? सो बेसिकली कॉन्टोर लाइंस या कोई भी इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हाइट को बताती है, पोटेंशियल को बताती है, पोटेंशियल एनर्जी को बताती है, इसलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी या ये सब चीजें यूनिक वैल्यू में होती है। क्लियर है ये? सो दिस इज द डायग्राम फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने यहां पर एक पॉइंट चार्ज लिया है सेंटर में प्लस, उससे थोड़े से डिस्टेंस पे ही आप देखोगे तो एक 50 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रहा है, मतलब इस पूरी लाइन पर कहीं भी देख लो तो आपको 50 वोल्ट मिलेगा, उससे थोड़ा दूर गए तो 40 वोल्ट, और थोड़ा दूर गए तो 30 वोल्ट, और थोड़ा दूर गए तो 20 वोल्ट, और थोड़ा दूर गए तो 10 वोल्ट। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं। ये सारे डायग्राम्स में आपको एक बुल्स आई जैसा विजन दिखेगा। ये बुल्स आई आपको क्या दिखाता है कि ये जो सेंटर है ना, यहां पर पोटेंशियल बहुत हाई है, और जब ये बुल्स आई के जो रिंग है ये कॉन्सेंट्रेट होने लग जाए तो समझ लेना सडनली पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है।
मतलब अगर आपने यहां से यहां जर्नी किया लेट से 1 मीटर और पोटेंशियल बढ़ा 10 वोल्ट, तो यहां से यहां तो जर्नी आपको सिर्फ लेट से 0.75 मीटर ही करना पड़ेगा, तो भी 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, यहाँ तो आधे मीटर में ही हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो जैसे जैसे आप चार्ज के नजदीक जाते हो पोटेंशियल ड्रास्टिकली बढ़ने लग जाता है, इस बात को ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट यू गॉट टू नोटिस हियर इज कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में दिखेगा बिकॉज इट इज स्फेरिकल इन सिमेट्री, बट ये स्पीयर्स के बीच का गैप जैसे जैसे आप चार्ज के पास आते जाओ वो घटता हुआ दिखना चाहिए। इस बात को अगर मैं 3D में रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसा दिखेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, उसका 2-डायमेंशनल डायग्राम ये है, और इसका 3-डायमेंशनल डायग्राम इस तरह दिखना चाहिए। सो दिस मस्ट रिप्रेजेंट द स्टीपनेस ऑफ द पोटेंशियल एज यू गो क्लोज टू द चार्ज। क्लियर है? सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस 3 डायमेंशन में ऐसे खड्डे के जैसे दिखती और 2 डायमेंशन में कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ही दिखती। सिमिलरली अगर हम 2 लाइक चार्जेस लें तो उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे दिखती है। अब मेरे को तो ये निंजा टर्टल के वो मास्क, आई के ऊपर मास्क होता है ना, वैसा सा शेप दिख रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड करने वाली बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किस एरिया में पोटेंशियल का चेंज ड्रास्टिकली हो रहा है तो वो आप ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। मैं कहता हूं ये है एरिया ए और ये है एरिया बी, दोनों में किस जगह पे पोटेंशियल का चेंज ड्रास्टिकली हो रहा है? कैन यू सी दैट? ए, ए में नहीं, बी में। जितना नजदीक आएंगे ना उतना ज्यादा। ए में तो इन इन सर्फेसिस के बीच में गैप ज्यादा है। देखो एक लाइन का पोटेंशियल वैल्यू तो सेम है, लेट से पहली लाइन का पोटेंशियल वैल्यू मैं लेता हूं 10 वोल्ट, दूसरी का 20 वोल्ट, तीसरी का 30 वोल्ट, चौथी का 40 वोल्ट। मैं यहां से यहां तक गया तो चेंज तो 40 वोल्ट ही हुआ है, लेकिन इतने डिस्टेंस पे। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ये डिस्टेंस काफी कम है। सो जब लेस डिस्टेंस के लिए ज्यादा पोटेंशियल का चेंज हो तो हम कहेंगे पोटेंशियल चेंजेस स्टीपर। सो यहां पे चेंज ज्यादा हो रहा है। सो इस बात को आपको समझना भी है कि इसको वर्क डन से कोरिलेट आपको करना आना चाहिए। जिस एरिया में पोटेंशियल का चेंज स्टीप हो वहां चार्ज को मूव कराना डिफिकल्ट होएगा, वहां ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मैं भी आपको कहूं कि चलो मेरे साथ ट्रैकिंग पे, एक तरफ माउंटेन यूं है दूसरी तरफ यूं है, बोलो किधर माउंटेनियरिंग करना डिफिकल्ट होगा? तो जिधर ज्यादा स्टीप है वहां डिफिकल्ट होगा, यहाँ वर्क डन ज्यादा लगेगा। यहां पे क्योंकि ये स्लांट है तो ये रिलेटिवली इजी रहेगा। सो सेम गोज हियर, जब हम चार्ज के इस साइड में आ जाते हैं तो यहां चेंज इन पोटेंशियल इज स्टीप, तो चार्ज को यहां पे अगर मैं मूव कराऊंगा तो वर्क डन मुझे ज्यादा करना पड़ेगा फॉर स्मॉल डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस रीजन। क्लियर है? बीचों बीच तो एक ऐसी सिचुएशन भी होगी जहां पे मेरे को वर्क ही नहीं करना पड़ेगा चार्ज को मूव कराने के लिए। ऐसा क्यों? व्हाई देयर वुड बी नो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज across this region due to null point? हाँ, क्योंकि ये बीच में force ही नहीं बचेगा, दोनों के electric field एक दूसरे को nullify कर देंगे। जब force ही नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि भैया यहाँ तो कोई work नहीं कराना पड़ेगा। All right, यही इस diagram के दूसरे version है। अगर मैं values के साथ जाऊँ तो this is one another way to draw it। ये उसका electric field lines के साथ है। नोटिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस बनाए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उसके परपेंडिकुलर बननी चाहिए, ये इसकी टेक्निकलिटी है। देन कम्स इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल का इक्वी पोटेंशियल सर्फेस अगर हम बनाएंगे तो यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं
कि कितनी डेंस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं। इनका डेंस होना रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एरिया का पोटेंशियल धमाधम चेंज हो रहा है, जबकि इस एरिया का पोटेंशियल बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, राइट है। और आप ये समझ भी सकने चाहिए क्योंकि डायपोल में टू लाइक चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसलिए इस रीजन में उनका पोटेंशियल सिग्निफिकेंट होता है, बट जैसे ही आप दूर जाते हो उनका पोटेंशियल ड्रास्टिकली ड्रॉप होने लगता है, वो एक दूसरे के पोटेंशियल को नलीफाई करने लगते हैं, इसलिए चेंज आपको कम दिख रहा है। इसका 3D डायग्राम ऐसा होगा, ये जो खड्डा है होलो, ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीजिंग पोटेंशियल को, और ये जो पीक है ये पॉजिटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंटेड होगा, तो उसकी इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस उसके परपेंडिकुलर हम बनाएंगे और इनके बीच का डिस्टेंस हमें हमेशा कॉन्स्टेंट रखना है। ये जो डिस्टेंस है dr, ये सेम रहना चाहिए, तभी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसकी इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस में इस तरह का डिफरेंस आएगा, जहां पे ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस लगातार कम होता चला जा रहा है। सो दिस विल रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है लीना? यस कपिल सर। अभी वो आप इनको E is equals to minus dV by dr वाला डेरिवेशन करवा दो, ठीक है। ऑलराइट, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है? यस मैम। तो अपने को डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ई एंड वी के बीच का रिलेशन ढूंढना है। तो वो रिलेशन डिराइव करने के लिए हम एक सोर्स चार्ज कंसिडर करेंगे कैपिटल क्यू। इस सोर्स चार्ज से कुछ दूर हम यहाँ पे एक पॉइंट पे, लेट से आर डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपको कंसिडर करना है, वो डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को लेकर आने वाले हैं। यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, ये ई का डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक क्यू नॉट चार्ज को मूव करवा रही हूँ थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dr, थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dr। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम इस क्यू नॉट को मूव करवाएंगे थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dr, तो फोर्स का फॉर्मूला वी ऑल नो, इट इज क्यू नॉट इंटू ई। फोर्स इज गिवन बाय क्यू नॉट इंटू ई। अगर फोर्स क्यू नॉट इंटू ई है तो ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr में हमने वर्क कितना किया होगा dw, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है तो वर्क डन भी बहुत छोटा सा होगा। तो dw वुड बी इक्वल टू f डॉट dr, dw वुड बी इक्वल टू f डॉट dr। नाउ जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी 180 डिग्री। तो इट वुड बी एफ डी आर कॉस 180, इट वुड बी एफ डी आर कॉस 180, डी डब्ल्यू इज एफ डी आर कॉस 180। ये एफ की जगह हम लिख देंगे क्यू ई डी आर कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट इन टू ई
माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू. क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू. तो डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर. डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर. What is work done per unit charge known as? Work done per unit charge. Potential. अगर work done बहुत छोटा सा है तो potential का value भी छोटा सा ही रहेगा. तो dW by Q naught की जगह हम लिख देंगे dV. dV is equal to minus E into dR. तो E would be equal to minus dV by dR. E would be equal to minus dV by dR. ये हमारा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशनशिप निकालने का. अब इसमें ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है पहले तो ये बताना पड़ेगा. तो हम बोलेंगे दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. पहला कंक्लूजन तो ये. और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये भी बोलेंगे इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसा ही बोल सकते हैं. किसी भी चीज को जब हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं ना तो उसको हम नाम दे देते हैं ग्रेडियंट. तो अगर हमने पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड कर दिया डीवी को डीआर से डिवाइड कर दिया तो हम इसको भी नाम दे देंगे ग्रेडियंट. तो ये किसका ग्रेडियंट बन जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसी से हमारा वो यूनिट भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. हमने चैप्टर वन में सीखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर. तो वो इसी फॉर्मूला से है. डीवी का यूनिट होता है वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर. तो ये यूनिट बन जाता है वोल्ट पर मीटर. एक था न्यूटन पर कूलम जो F by Q naught से आया था. दूसरा है वोल्ट पर मीटर जो इस फॉर्मूला से आया हमारा E is equal to minus dV by dR. कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है ये? ऑलराइट. मूविंग ऑन आगे का वाला एक टॉपिक और कर लेते हैं हम. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू और मोर चार्जेस. टू चार्जेस का तो हमें पता है इट इज के सी क्यू वन क्यू टू बाय आर. दो चार्जेस के बीच के अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो इट इज गिवन बाय के सी क्यू वन क्यू टू बाय आर. तो अगर दो से ज्यादा चार्जेस हुए तो क्या सिनेरियो होता है? आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है. मैं चेंज कर रही हूँ पेज. मान लीजिए मुझे एक ऐसा सिस्टम फॉर्म करना है जिसमें चार चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू फोर. एंड अज्यूम कर रही हूं मैं ये सारे एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है. आर 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 सारे इक्विडिस्टेंस है. आर 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 जस्ट सिंपलिसिटी लाने के लिए. अलग डिस्टेंस पे भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सिंपलिसिटी ही लाने के लिए मैंने एक बार अज्यूम कर लिया कि ये सारे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं. अब जो हम ये पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं सिस्टम की ये हम फाइंड कर रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो सिस्टम में. व्हेन ई एक्सटर्नल इज जीरो मतलब ये चार्जेस सिर्फ अपने ही इन्फ्लुएंस में एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में हो
कोई तीसरा आके इन पे इन्फ्लुएंस नहीं लगा रहा हो, राइट? तो हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसा कि व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी टू मेक दिस सिस्टम, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी यूज्ड टू मेक दिस सिस्टम। तो अगर हमें जब ऐसा फाइंड करना हो तो अज्यूम कर लो पहले यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज इज प्रेजेंट ओवर हियर, राइट? मैं एक सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लेकर आई हूँ यहाँ पे। अब पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ये था कि इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल है ही जीरो, यहाँ पे लेकर आई कोई और प्रेजेंट ही नहीं है, जहां पे नो अदर चार्जेस वर प्रेजेंट, पहला चार्ज आया तो पोटेंशियल ऑलरेडी यहाँ पे इस पॉइंट पे भी कितना आएगा? अभी तो आपको अलाउड है बोलना, बोल सकती हूँ। हमने सिखाया था, ये मैं लिख रही हूँ, डब्ल्यू क्यू वन वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज ऑफ क्यू वन वुड बी इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ये हमने सीखा हुआ है, राइट? क्यू डेल्टा वी में ए पोजीशन पे मैं इसको लेकर आ रही हूँ, तो मेरे को लिखना पड़ेगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, इन्फिनिटी से उठा के लेकर आ रही हूँ। तो इन्फिनिटी पे तो मुझे पता है पोटेंशियल जीरो है, ए पॉइंट पे पहले पोटेंशियल कितना था? एनीबडी? केसी क्यू बाय आर कैसे हुआ रचित, किसकी वजह से हुआ एक्चुअली? क्यू टू, मैं बोल रही हूँ रचित, नो अदर चार्जेस आर प्रेजेंट, नो अदर चार्जेस, मैं सिर्फ पहला चार्ज लेकर आ रही हूँ इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे, जीरो, परफेक्ट। अरे वाह, अब आंसर आए लोगों को, राइट है, ये जीरो ही रहेगा क्योंकि कोई और चार्ज है नहीं, कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, सिंस वो दोनों ही नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो वर्क डन इसको लाने में कितना करना पड़ा, जीरो। पहले चार्ज को लाने में वर्क डन इज जीरो, अब सेकेंड चार्ज को लाने में वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू टू, क्यू टू को मैं बी पॉइंट पे लेकर आ रही हूँ, आई अज्यूम इट टू बी बी, दिस वुड बी क्यू वी बी माइनस वी इंफिनिटी। अब v इन्फिनिटी तो आपका जीरो है, v भी कितना है, अब ऑलरेडी q1 प्रेजेंट है, उसको सोच के बोलना है अपने को, v भी कितना हो जाएगा, kc q1 by r, ये q2 है, kc q1 by r, तो वर्क डन हो गया kc q1 q2 by r, and this work done would be stored as potential energy of the system u, मैं वन नाम दे दूं इसको, राइट? फिर हम लाते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3। अब Q3 में और दिक्कत है, Q3 में दो चार्जेस प्रेजेंट है, Q1 भी और Q2 भी, दोनों प्रेजेंट है, और ये पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ C, तो ये हो जाएगा क्यू वी सी माइनस वी इंफिनिटी, अगेन वी इंफिनिटी तो जीरो, और Q जो जिसको लेकर आ रही हूँ वो है Q3, तो Q3 इंटू क्या पोटेंशियल का वैल्यू होगा, पोटेंशियल एक्ट कर रहा है सी पे, ए की वजह से भी और बी की वजह से भी, सिर्फ दोनों की वजह से एक्ट कर रहा है तो दोनों का पोटेंशियल एडअप हो जाएगा, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सीधा एलजेब्रिक एडिशन नहीं करना अपने को, तो ये आंसर आ जाएगा KC Q1 Q3 by R plus KC Q2 Q3 by R, और यही वर्क डन एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पूछे कोई कि व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोलूंगी इसकी इसकी और इसकी, तीनों की ऐड कर दो पोटेंशियल एनर्जी को, ये तो जीरो है, ये है KC Q1 Q2 by R, ये जाएगा KC Q1 Q3 by R plus KC Q2 Q3 by R, राइट? इन तीनों को ऐड कर देने का। लास्ट पे आ जाते हैं हम, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q4, कोई शुरू से बोलना चाहेगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q4 क्या लिखूं मैं? कोई तो ट्राई करो यार, ऐसे मत करो, मैं पॉइंट को नाम दे देती हूँ, चलो डी Q4 into Q4 into perfect KC Q3 by R
पहले मैं vd लिख दूं यहां पे vd माइनस v इनटू हां हां डेल्टा v रिप्रेजेंट करने के लिए यस अब vd का वैल्यू बोलिए तने kc q1 by r kc q1 by r प्लस kc q2 by r प्लस kc q2 by r प्लस kc q3 by r परफेक्ट kc q1 by r प्लस kc q2 by r प्लस kc q3 by r तीनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एक्ट करेगा और वो Q4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा KC Q1 Q4 by R plus KC आगे आप समझ जाना बहुत सारा लिखना पड़ेगा अगर मुझसे कोई पूछे सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी तो मैं बोलूंगी U1 plus U2 plus U3 तीनों को एड अप कर दो अब U1 तो है जीरो U2 है KC Q1 Q2 by R U3 है KC Q1 Q3 by R plus KC Q2 Q3 by R U4 है KC Q1 Q4 by R plus KC Q2 Q4 by R plus KC Q4 नहीं Q3 Q4 by R ये हमारा आंसर हो जाएगा घबराओ नहीं इतना लंबा नहीं जाएगा तीन ही चार्जेस देते हैं वो ऐसे सिस्टम में राइट थ्री चार्जेस ही होते हैं ज्यादातर तो यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी आपकी ये है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस की बात नहीं की अभी हमने इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के राइट ये आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम या व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रेकिंग द सिस्टम ऐसा करके आएगा अगर ब्रेकिंग द सिस्टम बोले तो जो भी इसका आंसर आए उसका नेगेटिव कर दो तो ब्रेकिंग द सिस्टम मिल जाएगा लेकिन मेकिंग द सिस्टम हो तो ये पूरा एज इट इज आपको करना पड़ेगा ध्रुव कोई डाउट ऑल राइट चलिए ये हमारा इस सेशन का सिर्फ अब एक टॉपिक बाकी रहा है नेक्स्ट क्लास में हम पहले तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2.2 के और फिर अगर टाइम बचा तो वो टॉपिक भी खत्म कर लेंगे वो भी बहुत छोटा सा इट विल ओनली टेक 5 to 10 minutes इन अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक लेकिन मीन वाइल आप 2.2 ट्राई करके आना होमवर्क शीट राइट एटलीस्ट सारे थियरी क्वेश्चंस अंशुल इतनी हंसी क्यों आ रही है तुझे कुछ नहीं